बात करेंगे हम पहले न्यूज की। स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो पांड्या स्टोर में बहुत ही जल्द आने वाला है 5 साल का लीप, जहां पर इस शो में हमें साइनी डोसी, कन्वर डिलन, एलिस कौशिक मेन लीड्स में नजर आते हैं, जहां पर इस शो की कहानी ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आता है। इस शो के अब तक 600 से भी ज्यादा एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जहां पर इस शो में बहुत ही जल्द आने वाला है 5 साल का लीप। उसके बाद शो की कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है, जहां पर खबर निकल गई है स्टार प्लस पांड्या स्टोर टू टेक 5 years sleep. Bidhan Sharma will be seen as Siku. Kiara Sant will play Sutki. Ranab Sharma will play Dev, Rishita's son, while Ronav Vaswani will play Shiva and Ravi's son co-sleep in the show. तो आप इस स्लिप को देखने के लिए कितना ज़रा एक्साइटेड है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बात करेंगे हम सेकेंड न्यूज की। दंगल टीवी पर कुछ समय पहले ही शुरू हुआ शो फावर शॉक पर निकल कर आई है बहुत बड़ी खबर, जहां पर यह शो कुछ समय पहले ही शुरू हुआ था। इस शो की अब तक सिर्फ 2 या 3 ही टीआरपी निकल कर आया है, लेकिन इस शो से निकल कर आई है बहुत बड़ी खबर, यह शो बहुत ही जल्द ऑफेयर होने जा रहा है। भारती सिंह और हर्ष लिम्बा से यह शो फावर शॉक को बहुत बड़ी लॉस हो गई है, जहाँ पर इस शो की लागत 2 करोड़ में बनाई गई थी, लेकिन इस शो को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है। भारती सिंह एंड हर्ष लिम्बासिया हैड स्पेंड अराउंड 2 करोड़ ऑन दंगल टीवीज फावर शो। मीनवाइल शो गेट बैडली फ्लॉप एंड चैनल वाना राइप इट अप विद इन अ मंथ, द कपल इज इन डिप्रेशन। तो इस शो के फैंस के लिए आ गई है बहुत बड़ी बैड न्यूज़। बात करेंगे हम थर्ड न्यूज की। जी टीवी पर एक बिल्कुल नया शो शुरू होने वाला है, कहां जा रहे ये शो ला रहे है संदीप सिकन, जहां पर इस शो में हमें नामिक पॉल नजर आने वाला है। पहले कहां जा रहा था इस शो में हमें रियांश बीरचंद्रा मेन लीड में नजर आने वाली है, लेकिन खबर निकल रही है नॉट रियांश बीरचंद्रा बट नामिक पॉल टू प्ले लीड इन संदीप सिकन नेक्स्ट फॉर जी टीवी। मेकर्स चूज टू गो अहेड विद नामिक। मेकर्स एंड द चैनल बिलीव द ही वॉज अ परफेक्ट फिट फॉर द कैरेक्टर। ही वॉज अर्लियर शॉर्टलिस्ट स्टेट फॉर स्टार भारत मेरिसस फूथ है बट लेटर ही चूज टू ऑप्ट आउट। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।